मुंबई लोकल ट्रेन में चेकिंग के लिए अचानक चढ़ी टास्क फोर्स, यात्रियों के बीच मची भगदड़। एसी ट्रेन से कूदकर भागे कई यात्रियों ने कहा, सर हम तो गलती से एसी कोच में चढ़े। मुंबई के एसी लोकल ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने वालों की खैर नहीं, 20 दिन में 10.4 लाख जुर्माना वसूला गया। मुंबई में आज होगी हल्की बारिश, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई करों को बेस देगा यात्रियों को फिर से झटका, टिकट की कीमतों में 2 रुपए की होगी वृद्धि। मुंबई के बोरीवली, दहिसर, मलाड समेत कई इलाकों में मॉनसून की बारिश, 24 जून तक बारिश जारी रहेगा। तलोजा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के 6 गाड़ी मौजूद। मुंबई करों की चिंता बढ़ी, सभी 7 बांधों में महज 5.31% पानी ही बचा। केजरीवाल को झटका, एचसी ने जमानत पर लगाई रोक, 1 दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल। महायुति में मतभेद पैदा कर रहे बीजेपी शिवसेना के नेता, एनसीपी बोली अजीत पवार के कारण बचा है गठबंधन। जलगांव में रेप के आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग को लेकर थाने में बवाल, इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मी घायल, भीड़ द्वारा किया गया पुलिस स्टेशन पर पथराव। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी, फडणवीस के घर शाम को होगी कोर कमेटी की बैठक। मेट्रो 2A7 पर 24 अतिरिक्त सेवाएं, निगम को 24 अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं चलाने का फैसला। वाढ़वन बंदरगाह के लिए सरकार 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढ़वन बंदरगाह के विस्तार को मंजूरी दी। पाइप में फंस गई थी साड़ी, अंदर देखा तो वाटर टैंकर में मिली महिला की लाश, पुणे में घटना से सनसनी। थाने में मंदिर में घुसा चोर, दान पेटी तोड़ चुराए लाखों रुपए, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड परियोजना, बीएमसी 11 करोड़ रुपए में डिफेंस की भूमिका करेगी अधिग्रहण। अपने अंदाज में किए आसन, फिर गिनाए फायदे, मुंबई में रामदास अठावले की योग। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दल ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कर दी 100 सीटों की मांग। स्कूल में मासूम बच्चियों का यौन शोषण करता था टीचर, हाईकोर्ट ने जेल की सजा रखी बरकरार। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने से केंद्र सरकार की नाकामी हुई उजागर, शरद पवार गुट ने कसा तंज।